कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि कल के दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, यानी निफ्टी कैसे वर्क करेगी, कौन से लेवल से बुलिश हो सकती है, कौन से लेवल से रिवर्स हो सकती है, ऊपर से नीचे साइड, ये पूरा हम आज डिस्कस करने वाले। और हम आपको लास्ट में दोस्तों एस्ट्रोलॉजिकल व्यू भी बताएंगे, जैसे कल आपको बताया था निफ्टी में कि मार्केट पूरी रेंज पहुँच जाएगी। देखो सेम ये रेंज पहुंच रही है, तो कल के दिन में आपको क्या करना है दोस्तों, कल हमारा जो प्रेडिक्शन है मार्केट वन साइड रहेगा, कौन सी साइड रहेगी वो भी हम आपको लास्ट में बता देंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, 16,170 के नीचे सेल करना है, 16,130 पहला टारगेट रहेगा, 16,070 दूसरा टारगेट रहेगा। आज मैं आपके लिए स्टॉप लॉस भी लेके आया हूँ, यानी 16,220 जो रहेगा वो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, देखो आज निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी थी, तो कल के दिन में क्या कर सकते, अगर ये लेवल 35,499 का ब्रेक करता है ना, तो हम लोग बैंक निफ्टी में सेल करेंगे, 35,450 पहला टारगेट, 35,250 जो रहेगा ये आपके लिए दूसरा टारगेट रहेगा, 35,250 दूसरा टारगेट। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें तो ओनली 30 पॉइंट का रहेगा, वो बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट मतलब आप समझ सकते हो कि एक मिनट में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है, लेकिन हम आपको एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस दे दें ताकि अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो यहाँ से तो भी आपको कोई बड़ा लॉस ना हो, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार डिस्कस करके उसके बाद ही ट्रेड लेना। दोस्तों आप अपना नॉलेज भी इसमें यूज़ कर सकते हो ताकि आपको और भी हेल्प मिलेगी और भी लेवल में कन्फर्मेशन मिलेगा। और अगर एस्ट्रोलॉजी की बात हमने जैसे शुरुआत में बताई, कल के दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी वन साइड रह सकता है, अच्छा कौन सी साइड जाएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क कर सकते हैं, अगर ऊपर ब्रेक करता है आप ऊपर साइड चले जाओ, अगर लो ब्रेक करता है नीचे साइड चले जाओ। एक टर्म्स एंड कंडीशन इसमें रहेगी कि 100 से 150 पॉइंट, 100 पॉइंट से प्लस गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये जो लेवल है वो काम बहुत कम करेगी। अगर गैप अप है फिर नीचे ब्रेक करता है आप जा सकते हो, गैप डाउन है फिर ऊपर ब्रेक करता है जा सकते हैं, लेकिन गैप डाउन के बाद लो ब्रेक किया तो मत जाना। इसका लॉजिक क्या है दोस्तों, देखो ऑलरेडी 100 पॉइंट गैप डाउन है निफ्टी, इसके बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल 50-60 पॉइंट की बनती है, 150-200 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर नीचे साइड यानी पुट साइड जाने की कोई चांसेस नहीं है, बहुत कम टारगेट मिलेगा। और अगर हाई ब्रेक करे तो बहुत अच्छा खासा है, लेकिन गैप अप के बाद हाई ब्रेक करेगा तो हमें नहीं जाना चाहिए, गैप अप के बाद लो ब्रेक करे तो बहुत अच्छी बात, और फ्लैट है तो हाई ब्रेक करे ऊपर साइड, लो ब्रेक करे आप नीचे साइड जा सकते हो। अगर आपको लाइव मार्केट में कोई भी अपडेट चाहिए दोस्तों, जैसे हमने आज टेलीग्राम में लालपत लैब का स्टॉक दिया था, एग्जैक्ट हमारा टारगेट हिट होकर रिवर्स हो गया वहाँ से, अगर आपको ऐसा कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम आपको अपडेट करेंगे कि मार्केट कैसे ओपन हो सकता है, और अगर कोई भी अपडेट लेवल होगी तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो।